हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्लासेस। आज मटेरियल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे टैबुलेशन मेथड। अब स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे टैबुलेशन मेथड। इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, जो भी आपने ईओपी का कंसेप्ट किया अगर ये मेथड को फॉलो करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको ना विनय ईओक्यू तक एक्सप्लेन कर दिया था। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था? ईओक्यू का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 2 times ऑफ एसी ओसी सीसी। इसका मतलब क्या था कि एक बार में आपको कितना यूनिट ऑर्डर करना है। फिर उसके बाद आपने देखा रहेगा मैंने आपको फाइंड करने लगाया था नंबर ऑफ ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करने के बाद टोटल कॉस्ट निकाल देते, मटेरियल का कॉस्ट, ऑर्डर का कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऐड कर देते टोटल। खाली ये पहले ऐसे स्टेटमेंट में लिखे थे, अब इसे टैबुलर फॉर्म में लिखना है। फर्क क्या होने वाला है? पिछली सम के अंदर जो ईओपी का सम हमने किया उसके अंदर अपने को बताया नहीं गया था कितना ऑर्डर करना है। इधर वो अपने को ऑप्शन देंगे और हमको डिसाइड करना है कि वो जो बोल रहा है वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या ईओपी वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। मतलब यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होने वाला है कि ईओक्यू बेटर है या हम जो ऑर्डर देते हैं वो बेटर है। हम मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला ऑर्डर देने का, एक काम कर 2000 की जरूरत है, तू अभी 5000 भेज दे, बाद में देखता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेंटेटिव ऑर्डर दे रहा हूँ, और टेंटेटिव ऑर्डर देने में क्या होता है, संभालने का खर्चा बढ़ जाता है, फिर उसको मेंटेन करने का खर्चा बढ़ जाता है। ईओक्यू में ऐसा होता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इधर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम रहता है। तो यही अभी अपने को इसमें समझने वाला है। क्वेश्चन देखते क्या दिया है। द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन एन ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। देखो अभी क्या हुआ, भाई को डिस्काउंट मिलने वाला, भाई तुम इतना ऑर्डर करो इतना मैं डिस्काउंट में दे दूंगा मैं आपको। तो प्राइस दिया हुआ है प्राइस पर टन, अगर आप 500 यूनिट से कम ऑर्डर देते हो तो आपको प्रोडक्ट 1400 रुपए में दूंगा, लेकिन आप 500 से ज्यादा और 1000 के बीच में ऑर्डर करते हो तो मैं आपका प्राइस जो है 1380 कर दूंगा। फिर ऐसे लालच देते लेते देते देते आप देख सकते हो 3000 के ऊपर का ऑर्डर देंगे तो बोला 1320 रुपए में सामान लेके जाओ। तो अभी अपने को लालच मिला है, तो लालच मिला है तो भी अपना ईओक्यू नहीं भूलना है अपने को, क्योंकि ईओक्यू एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा हथियार है जिससे अपने को क्या पता चलता है, ऑर्डर कैरिंग इक्वल आएगा और वही फॉलो होगा। अगर आप लालच में आ गए, सामान ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो संभालने का खर्चा बढ़ जाएगा, ऑर्डर का खर्चा कम हुआ तो संभालने का खर्चा बढ़ेगा, और इसका रिवर्स है, अगर ऑर्डर खर्चा ज्यादा है तो संभालने का खर्चा कम होगा। लेकिन ईओक्यू क्या करता है, बैलेंस करता है, इसलिए हमेशा ईओक्यू को ही फॉलो करना चाहिए। क्लियर? अब देखो क्या दिया है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल इज 5000 टन। यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन कितना है, 5000, हर एक इसमें 5000 आएगा। 5 ऑप्शंस है, मैं पहले से लिख रहा हूँ, आपको आगे फ्यूचर में दिखेगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे 5000 लिख, 5 ऑप्शंस के लिए 5000 मेरा एनुअल कंजम्पशन। आगे डिलीवरी कॉस्ट दैट इज ऑर्डर कॉस्ट इज 1200 रुपए एंड एनुअल स्टॉक होल्डिंग इज 20%। ऑर्डर कॉस्ट कितना बोला है, कितना बोला है, 1200 रुपए, तो सबके लिए वो ऑर्डर कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, 1200 रुपए ऑर्डर कॉस्ट, 12 ऑर्डर कॉस्ट, 12 रुपए। कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है, 20%। और ये 20% किसका कैलकुलेट होगा वही इंपॉर्टेंट है। हमेशा कैरिंग कॉस्ट जो आप कैलकुलेट करते हो वो किस पे कैलकुलेट करते हो, परचेज प्राइस पे। किस पे कैलकुलेट करते हो, परचेज प्राइस पे, बराबर है। तो यहां पे कैरिंग कॉस्ट होगा 20% परचेज प्राइस का, यही बदलने वाला है, क्योंकि मुझे लालच दिया गया है, भाई 500 यूनिट से कम ऑर्डर करेगा 1400 रुपये, 500 से ज्यादा 1000 के बीच में 1380 रुपये, 1360 रुपये, 1340 रुपये, 1320 रुपये, ऐसे ऑप्शन दिया है, मतलब परचेज प्राइस बदलेगा तो कैरिंग कॉस्ट भी सबका बदलेगा। बात समझा, ऑर्डर कॉस्ट सबका सेम रहेगा लेकिन कैरिंग कॉस्ट बदलेगा, इसलिए अभी कैरिंग कॉस्ट तो नहीं लिख सकता। आगे बढ़ता हूं, उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है द परचेज डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू चेंज want you to consider the following purchase option and advise him among them will be the most economy order quantity presenting the relevant information in a tabular form. The purchase quantity option will be considered as, पहले हमने 400 यूनिट का ऑर्डर दिया, अगर मैं ईओक्यू फॉलो करता हूँ तो ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 2 times ऑफ ए सी ओ सी सी सी, बट उसने ईओक्यू फॉलो ही नहीं करने बोला, उसने क्या बोला
400 का ऑर्डर दे दो, दूसरे ऑप्शन में कितना बोला है 500 का ऑर्डर दे दो, तीसरे में क्या बोला है 1000 टन का ऑर्डर दे दो, चौथे में क्या बोला है 2000 टन का ऑर्डर दे दो, उसके बाद 3000 टन का ऑर्डर दे दो। अगर मैं ईओक्यू फॉलो करता, ईओक्यू फॉलो करता तो यहाँ पे यूनिट मिल जाता, वो यूनिट में इधर लिख देता, बट इस क्वेश्चन में ईओक्यू की जगह पे ये दे दिया कि भाई एक काम करो 400 यूनिट का ऑर्डर दे दो, 500 यूनिट का ऑर्डर दे दो, 1000 का ऑर्डर दे दो, 2000 का ऑर्डर दे दो, 3000, मतलब इधर एक बार में कितना ऑर्डर देने का वो पहले से दिया है। ईओक्यू फॉलो नहीं कर रहा है वो बंदा। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान देना, अगर मैं 400 यूनिट का ऑर्डर देता हूं तो लेस देन 500 है, तो मेरा परचेज प्राइस कितना होगा 1400 रुपए। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना होगा 1400 रुपए का 20%, तो 1400 का 20% कितना आएगा 280 रुपया कैरिंग कॉस्ट। अरे बात समझा? पक्का समझा है? चलिए ठीक है, 500 यूनिट ऑर्डर किया, लेस देन 500 है तो 1400, और 500 और 1000 के बीच में तो 1380 है। देखो उधर परचेज प्राइस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1380 का 20%, समझा? तो 1380 का 20% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 270, ये इसका कैरिंग कॉस्ट आ गया। अरे बात समझा? चलिए ठीक, कितना यूनिट ऑर्डर किया है 1000, 500 से 1000 लेस देन 1000 है। देखो वहां पे लिखा है 500 एंड लेस देन 1000, तो ये लेस देन 1000 क्या 1000 है, तो इसके बाद वाला प्राइस लगेगा 1000 और लेस देन 2000 वाला प्राइस लगेगा, मतलब इधर 1360 रुपया लगेगा, उसका 20% कितना आ जाएगा 272। बात समझा? 2000 तीसरे वाले में आएगा, 1340 वाले में, 1340 का 20% 268 बराबर है। चलिए ठीक है, 3000 कौन से कैटेगरी में आ रहा है 3000 और लास्ट वाले कैटेगरी में आ रहा है 1320 इंटू 20% 260। ये समझा? तो अब अपने को एनुअल कंजम्पशन कितना है मालूम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है मालूम है, परचेज प्राइस भी मालूम है सबका, साथ ही साथ कैरिंग कॉस्ट भी मालूम है बराबर है, और कितना ऑर्डर किया है, ईओक्यू कितना किया है, हर एक का मालूम है। मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट, और सजेस्ट करना है कौन सा बेटर है। तो सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा कितना ऑर्डर किया, यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन कितना है 5000, और कितना ऑर्डर कर रहा हूं मैं 400, यहाँ पे एक बार में 400 यूनिट कर रहा हूं, तो 5000 डिवाइड बाय 400 करो कितना आ रहा है 12.5। यहां पे 5000 डिवाइड बाय 500 यूनिट कर रहा हूं, मतलब 10 आएगा, यहां 5000 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 1000, इधर 1000 यूनिट है ना यूक्यू का, इधर आएगा 5000 डिवाइड बाय 2000, इधर 2.5, 5000 डिवाइड बाय 3000, इधर 1.6 रिकरिंग नंबर है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? देखो ये सेम चीज मैं कर रहा हूं, खाली इधर टेबुलर फॉर्म में ईओक्यू मिलने के बाद नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करता हूं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड की। अब आ जाता हूं जो मेरा आंसर का रिक्वायरमेंट है, ये मेरा आंसर का रिक्वायरमेंट, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मतलब कितना कंजम्पशन होने वाला है, एनुअल कंजम्पशन इनटू परचेज प्राइस। एनुअल कंजम्पशन कितना है 5000 इनटू इधर का परचेज प्राइस कितना है 1400 रुपए बराबर है, यहाँ पे परचेज प्राइस 1400 लिया था ना आपने, तो 50000 इंटू 1400 करो कितना आ रहा है 70 लाख, देखो 70 लाख बराबर है। इधर आते हैं, एनुअल कंजम्पशन इंटू परचेज प्राइस 5000 इंटू 1380 आएगा, अब क्योंकि यहाँ पे परचेज प्राइस 1380 है, तो 50000 इंटू 1380 कितना 69 लाख, एग्जैक्ट 69 लाख, क्या 69 लाख। यहाँ पे आएंगे एनुअल कंजम्पशन इंटू परचेज प्राइस 50000 सॉरी 5000 इंटू 1360 कितना आ रहा है 68 लाख। सेम यहाँ पे भी करेंगे 5000 इंटू 1380 सॉरी 1320 40, देखो परचेज प्राइस 1340 कितना 67। यहाँ पे आ जाएंगे 5000 इंटू 1320
66 लाख। अरे ये समझा क्या किया मैंने, मैं बेसिक जो सम पहले ईओक्यू कर रहा था वो एक सिंगल था, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अगर एक होता तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालता, नंबर ऑफ ऑर्डर को फिर बाद में टोटल कॉस्ट लास्ट अपन ने वही खत्म किया था, तो खाली से ऐसे लिखो। तो मटेरियल कॉस्ट सबका समझ में आया। अब मैं फाइंड करूंगा ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला है एक बार कितना ऑर्डर करने वाला, तो साल भर में कितनी बार ऑर्डर देने वाला, 12.5 टाइम, और इसको खर्चा कितना आने वाला है ऑर्डर का, 1200। तो इधर कैसे निकलेगा, यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट मतलब 12.5 मतलब 12.5 टाइम ऑर्डर देने वाला है, इंटू 1200 करो कितना आ रहा है, कितना 15। सेम चीज इधर करेंगे, कितनी बार ऑर्डर देने वाला है, 10 बार। एक बार का ऑर्डर का खर्चा 1200 है, मतलब 12000। सिंपल है ना, 1200 × 10 = 12000। यहाँ पे कितनी बार ऑर्डर देने वाला है, 5 बार × 1200 बराबर है, तो 5 × 1200 करो 6000, तो 1200 × 5 = 6000। यहाँ पे आ जाते 1200 × कितनी बार, 2.5 टाइम ऑर्डर देने वाले बराबर है, तो 3000 बराबर। यहाँ पे 1200 × 1.67 देखो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 2000। राउंड अप कर दिया, आप 0.66 रिकरेंगे ना तो 199.99 आ जाएगा, 2000। ये समझ में आया, ये ऑर्डर कॉस्ट हो गया। अभी कैरिंग कॉस्ट निकालना है। कैरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट मैंने क्या बताया, जो भी आप ईओक्यू में ऑर्डर देते हो उसका आधा करना इनटू कैरिंग कॉस्ट। हमने यहाँ पे ईओक्यू में कितना ऑर्डर दिया है, 400 का क्या करना है, आधा, और उसको कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 400 का आधा इनटू 280। अरे बात समझा, विच इज इक्वल्स टू 280 का हाफ, 200 मतलब 400, 56,000 बराबर है। यहाँ पे कितना ऑर्डर किया है, 500 का आधा इंटू 276 बराबर है। इधर कैरिंग कॉस्ट विच इज इक्वल टू इधर कितना आ रहा है, 69,000। इधर देखते हैं, 1000 यूनिट ऑर्डर दिया है, 1000 का आधा करेंगे इंटू 272, 27,200 नहीं 27,200 नहीं आएगा, 1,36,000 क्या बात। अरे बात समझा, यहाँ पे आ कितना ऑर्डर किया, 2000 इंटू इधर कॉस्ट है 268, तो 268,000 क्लियर। समझा ना कैसे आ रहा है, यहाँ पे कितना यूनिट ऑर्डर किया है, 3000, उसका आधा इंटू 264 करिए मल्टीप्लाई, 3,96,000 बराबर। अब क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालते हैं, मटेरियल ऐड ऑर्डर ऐड कैरिंग, तो मटेरियल ऐड ऑर्डर ऐड कैरिंग सेम ऐड करेंगे, यहां पे आपको आ जाएगा 70,71,000, 71 हो गया ना, ये सेम 69 + 12 + 69 81,000। यहाँ पे 69,42,000, फिर 71,000, फिर अब थोड़ा सा तुम अकाउंटेंट बन जाओ और सामने वाले को सजेस्ट करो। अभी ईओक्यू अगर वो करता ना, अगर वो ईओक्यू फॉलो करता, तो ये जो फर्क आ रहा है ना, 12,069, 15,050, ये नहीं आता। क्यों, क्योंकि ईओक्यू क्या बोलता है, ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम आएगा, आप कितना भी ऑर्डर करो बराबर। लेकिन मैंने ईओक्यू फॉलो किया क्या, नहीं मैंने ईओक्यू नहीं, उसने जो बोला मैंने वो ऑर्डर किया, तो उससे देखो ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर कॉस्ट सब अलग अलग आ रहा है। तो अब ये देखने के मैं डिसाइड करूंगा, भाई अगर 400 यूनिट में ऑर्डर करता हूं 70 लाख का खर्चा है, 500 यूनिट ऑर्डर करता हूं 69,81 का खर्चा है, 1000 यूनिट ऑर्डर करता हूं 69,42 का खर्चा है, कम हुआ लेकिन फिर बढ़ गया। मतलब अगर तुमको खर्चा कम करना है तो ईओक्यू नहीं फॉलो कर रहे, तो 1000 यूनिट कम से कम ऑर्डर करो, क्योंकि 1000 यूनिट करने के बाद अगर आप 2000 यूनिट करते हो तो आपका खर्चा बढ़ जा रहा है। 400 से 500 यूनिट बढ़ रहा था इधर भी, लेकिन इधर खर्चा कम हुआ, बट इसके बाद खर्चा बढ़ने लगा ना,
1981 के बाद 6942, 42 के बाद 71 आया, 71 के बाद 80, 98 हो गया, मतलब इधर से इधर आया तो खर्चा कम हुआ, बट इधर से इधर गया तो खर्चा बढ़ गया। तो अपने को क्या सजेस्ट करना पड़ेगा भाई, तुम क्या करो 1000 यूनिट कम से कम ऑर्डर करो, तो आपका जो खर्चा है वो मिनिमम में हो जाएगा। बात समझा, क्लियर हुआ पक्का? अगर मैं यही चीज को ईओक्यू के बेसिस पे करता तो मुझे इधर प्रॉब्लम क्या आ रहा था, परचेज प्राइस का। अगर वो कांस्टेंट होता तो मैं सामने वाले को बोलता भाई अगर तुम्हारा परचेज प्राइस कांस्टेंट है तो कम से कम 400 यूनिट ऑर्डर करो, 200 यूनिट ऑर्डर करो, 1000 यूनिट ऑर्डर करो, डायरेक्ट बोल देता। पर यहाँ पे परचेज प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा था, 1400, 1380, 1360, 1340, 1300 फ्लक्चुएट हो रहा था, इसलिए ईओक्यू फाइंड नहीं कर पाए, तो हमने टैबुलेशन में कर पाया। समझाइए, चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ईओक्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड टैबुलेशन मेथड। अपने को ईओक्यू भी फाइंड करना है मीने, और टैबुलेशन मेथड से जो अभी हमने किया था वो भी फाइंड करना है। एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 6400 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है 100 रुपया, कैरिंग कॉस्ट दिया है 8 रुपए, प्राइस पर यूनिट दिया है 80 रुपए। द फर्म कैन प्रोड्यूस इन्वेंटरी इन वेरियस लॉट सच एज 6400 लॉट, 3200 लॉट, 1600 लॉट, 800 यूनिट, 400 यूनिट, 200 यूनिट एंड 100 यूनिट। जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन कितना है बोलो जरा, 6400। तो ये सबके लिए सेम रहेगा एनुअल कंजम्पशन, तो सब यूनिट के लिए। अभी मैं 7 बार इसलिए लिख रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में 7 ऑप्शन दिए इसलिए, तो हर बार एनुअल कंजम्पशन 6400, 6400, 6400, 6400, ये समझा। उसके अलावा क्वेश्चन में दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है, तो क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया है 8 रुपए, सॉरी 100 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट सबके लिए सेम होगा, 100 100 100 100, यहां पे भी 100 फिर 100 फिर 100, ठीक है। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट दिया है 8 रुपए। अब यहां पे कैरिंग कॉस्ट सबके लिए सेम है, सिंपल सम है, पिछले सम से जो ये पिछले सम में ऑप्शंस दिया था चेंज, यहां पे नहीं दिया है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट को खरीदने का प्राइस, इसे आप कह सकते हो परचेज प्राइस है नहीं, तो परचेज प्राइस कितना है 80 रुपया। उसके अलावा और कुछ दिया है क्या, उसके अलावा बोला है फाइंड ईओक्यू। जरा देखना, क्योंकि अपने को एनुअल कंजम्पशन मालूम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम है और कैरिंग कॉस्ट मालूम, तो ईओक्यू में फाइंड कर सकता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईओक्यू, ईओक्यू का फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ एसी ओसी सीसी अंडर रूट के अंदर, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहां पे सॉल्व हो जाएगा 2 × 6400 × 100 / 8 रूट के अंदर। जरा कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताओ। परचेज प्राइस में ऊपर लिख देता हूं, यहां पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए बाजू में लिख देता हूं, परचेज प्राइस इज 80, यहां पे 8 × 1 = 8, 8 = 64, 16 400 आएगा, ईओक्यू 400 आएगा, क्लियर है। अब बढ़ते आगे, अपने को यहां पे क्या मालूम पड़ा विनय, विनय अगर इस बेसिस पे आप ऑर्डर करना चाहो तो 400 यूनिट का ऑर्डर कर सकते हो। पिछले समय हमने ईओक्यू नहीं फाइंड किया था, क्यों, क्योंकि परचेज प्राइस जो था वो फ्लक्चुएट हो रहा था, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है क्या, नहीं। तो मुझे क्या मालूम पड़ा, 400 यूनिट ऑर्डर करोगे तो आपका ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम आएगा और खर्चा मिनिमम होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ना अलग कुछ दिया, बोला है कि भाई ये बंदा क्या चाहता है, एक बार में पूरा यूनिट ऑर्डर करना चाह रहा है। देखो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, 6400 यूनिट परचेज करेगा। दूसरे बोला नहीं भाई ये आधा आधा ऑर्डर करते, 3200 का ऑर्डर करते। फिर उसने बोला कितना, 1600 यूनिट का ऑर्डर करेंगे। फिर कितना यूनिट, 800 यूनिट का ऑर्डर करेंगे। फिर उसने 400 यूनिट का ऑर्डर करने का बताया, फिर 200 फिर 100। मेरा आंसर डायरेक्ट ये सिलेक्ट कर लो सर, क्यों, क्योंकि ईओक्यू कितना है, तो अगर तुम 400 ऑर्डर करोगे तो खर्चा सबसे मिनिमम आएगा, डायरेक्ट बोल सकता हूं मैं। बट अपने को ये प्रूफ करके दिखाना कि भाई अगर 6400 एक बार में ऑर्डर करता है तो उसका खर्चा कितना, 3200 में कर रहा है तो खर्चा कितना, एंड सो ऑन। तो चलिए ठीक है, इधर आ जाते हैं। सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा कितना ऑर्डर किया है, इसने कितना ऑर्डर किया है 6400 का,
एनुअल कंजम्पशन कितना है 6,400। फॉर्मूला क्या है 6,400 अपॉन ईओक्यू, ईओक्यू यहाँ पे कितना है 6,400। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आएगा, एक ही आएगा ना, एक ही बार में सब ऑर्डर कर रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे कितना है 6,400 डिवाइड बाय 3200, मतलब दो बार ऑर्डर करेगा यहाँ पे, तीन बार चार बार ऑर्डर करेगा, कैसे 6,400 डिवाइड बाय 1600, यहाँ पे 6,400 अपॉन 800 आठ बार, यहाँ पे 6,400 डिवाइड बाय 400 16 बार ऑर्डर करेगा, 6,400 डिवाइडेड बाय 200 इधर 32 बार ऑर्डर करेगा, 6,400 डिवाइडेड बाय 100 64 टाइम्स ऑर्डर करेगा। मत आप समझो क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपका मैनेजर है वो क्या बोल रहा है, एक काम कर भाई सब एक साथ मंगा ले, 6,400 एक साथ मांगती कंजन सर, तो एक ही बार वो ऑर्डर में सब मंगा लेगा, इधर दो बार मंगाएगा, तीन बार चार बार पांच बार, एंड उसी तरह से उसका ऑर्डर और कैरिंग का खर्चा डिवाइड होता है। इतना समझ गया आप, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में पहला मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलता है, एनुअल कंजम्पशन इनटू परचेज प्राइस। एनुअल कंजम्पशन कितना है 6,400, परचेज प्राइस कितना है 80, तो 6,400 इंटू 80 करो 5,02,000, 5,12,000, 5,12,000, चलिए ठीक है ये समझा। यहां पे भी सेम आएगा क्योंकि अपने को तो ऑर्डर उतना ही करना है हर बार, तो इधर सबका कॉस्ट तो सेम रहेगा 5,12,000, 5,12,000, 5,12,000, सब में सेम आएगा क्योंकि आपको सेम ही ऑर्डर करना है, 5,12,000, 5,12,000, 5,00,000। पिछले सब में क्यों फर्क आया, क्योंकि परचेज प्राइस अलग अलग था, यहाँ पे है क्या नहीं, तो सबका मटेरियल का खर्चा तो इतना ही। अब ऑर्डर का खर्चा, ऑर्डर का खर्चा क्या है फॉर्मूला, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना ऑर्डर किया, ऑर्डर कॉस्ट कितना, देखो ऑर्डर कॉस्ट कितना है 100 है ना, तो यहाँ पे 1 × 100 ₹100, यहाँ पे 100 × 2 200, यहाँ पे क्या बात, यहाँ पे फिर 16, फिर समझ में आ गया, ऑर्डर मालूम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम है। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, जो भी आप ऑर्डर करोगे उसका आधा करो और उसको कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना उसने मटेरियल का ऑर्डर दिया है, ये ईओक्यू ना, यहाँ पे कितना ऑर्डर किया 6,400, इसका आधा करो तो 6,400 डिवाइडेड बाय 2 इनटू ऑर्डरिंग का खर्चा ₹8 है 25,000, यहां नीचे लिख देता हूं मैं 25,000, ठीक है बात समझा, यहां 3200 का आधा 1600 बराबर है ना, इनटू 8, 1600 इनटू 8 कर दो 12,800, यहां पे 1600 का आधा 800, 800 इनटू 800 6,400 बराबर है, 800 का आधा 400, 400 इंटू 8 3,200, यहाँ पे 1600 आएगा, लॉजिक देखो, लॉजिक दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, 400 ईओक्यू है, ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम हो रहा है, मतलब आंसर राइट चल रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पे आते 200, 200 का आधा 100, 100 मतलब 800, 100 का आधा 50, 400, अब अपने को सबको ऐड करना है, 5,12,000 प्लस 100 प्लस 25,600, 5,12,000 प्लस 25,700 प्लस करना है 5,37,600 टोटल कॉस्ट। यहाँ पे 5,12,000, 1200 और 800 यह हो जाएगा 13,000, तो 5,25,000, 5,25 आएगा, देख यहाँ पे आएंगे 64 मतलब 800, तो 5,18,400 देख लो, हाँ 800 6 और 8 5,18,400, 400 है ना, ये 400 400 800, 5,00,000 इधर, हाँ इधर 800 आएगा, प्रिंटिंग 800 आएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 4,000, तो 5,16,000, 5,16,000, यहाँ पे 3200 है 5,52,15,200, 5,15,200 आएगा,
यहाँ पे 4,000 प्लस हो जाएगा, 5,16,000 हो जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा 5,18,800। देख लो, अब जरा ध्यान देना, खर्चा 5,37, 5,25, 5,18, 5,16, 5,15, 5,16 फिर बढ़ गया। मतलब ये, और मैंने पहले बताया था ये सिलेक्ट करना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ जाना कि ईओक्यू आपको क्या हेल्प करता है, कम से कम कॉस्ट करने में हेल्प करता है। अब आपके हिसाब से ऑर्डर करोगे तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, बट ईओक्यू में फर्क दिखता है क्या? नहीं। बात समझा क्या? तो यही है टैबुलेशन मेथड। आई गेस सब आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।